अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। सुब्रत भारती एक भारतीय एंटरप्रेनर और बिजनेस लीडर है। आजकल उन्हें ओडिशा के COVID-19 के स्पीकर के रूप में देखा जाता है। पर क्या आप सुब्रत भारती के बारे में जानते हैं? तो चलिए उनके बारे में शुरू से पता करते हैं। सुब्रत भारती का जन्म 31 मई 1957 को ओडिशा के पटनागढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम मक्खन गोपाल भारती है जो एक जूनियर सरकारी कर्मचारी थे और उनके माता का नाम लावण्या प्रभा भारती है। वो ओडिशा में बड़े हुए। अपने पिता की नौकरी की प्रकृति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई किया है। 1974 में उन्होंने भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट के साथ ट्रेनिंग लिया और सफलतापूर्वक पैरा विंग्स कमाने के लिए 5 मैंडेटरी छलांग पूरे किए। 1975 में उन्हें दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भारत का सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट चुना गया जहां उन्हें प्रधानमंत्री के सम्मान में सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई छोड़ने के बाद 1976 में ओडिशा सरकार के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एक क्लर्क के रूप में अपना काम शुरू किया। वहां काम करने के एक साल बाद उन्होंने 1977 में डीसीएम में एक मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए क्वालिफाई किया जहां उन्होंने आगामी 5 वर्षों के लिए काम किया। 1981 में उन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री में प्रवेश किया और सेल्स मार्केटिंग और ऑपरेशन जैसे विभिन्न कार्यों में 1981 और 1999 के बीच कई कंप्यूटर कंपनियों के लिए काम किया। उनका सबसे लंबा कार्यकाल विप्रो में था जहां वे चेयरमैन अजीम प्रेमजी के लिए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट मिशन क्वालिटी के रूप में काम करने से पहले विप्रो के ग्लोबल R&D के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। उन्होंने 1998 में लूसेंट टेक्नोलॉजीज में शामिल होने के लिए विप्रो छोड़ दिए। 1999 में लूसेंट छोड़ दिए ताकि वह 9 अन्य को फाउंडर के साथ माइंडट्री को फाउंड कर सके। माइंडट्री एक $1 बिलियन ग्लोबल IT सर्विस कंपनी है जिसमें 20,000 प्लस लोग है। ये भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जब माइंडट्री शुरू हुआ तो सुब्रत भारती चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में शुरू किया। इसके तुरंत बाद कंपनी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की चपेट में आ गया। इस दौरान कई शुरुआती चरण की कंपनियां कोलैप्स हो गए और भारती अमेरिका गए और मुश्किल वर्षों में लीडरशिप टीम को साथ रहने में मदद किया। 2007 में वो अपेक्स टीम का हिस्सा थे जिन्होंने माइंडट्री को एक आईडिया से आईपीओ तक पहुंचाया। पोस्ट आईपीओ भारती ने माइंडट्री में गार्डनर की भूमिका निभाई। 2010 में उन्हें बोर्ड का वाइस चेयरमैन किया गया। 1 अप्रैल 2012 को उन्होंने ऑफिस ऑफ चेयरमैन का पद ग्रहण किया। उन्होंने जनवरी 2016 में चेयरमैन के रूप में कदम रखे। 1 मई 2016 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद और स्थिति में ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की पूर्णकालिक भूमिका निभाए। सुब्रत वाइटसन फाउंडेशन के बोर्ड में भी है। वाइटसन फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान सेवाएं प्रदान करता है। फाउंडेशन रोगियों देखभाल करने वालों और अन्य लोगों के वेल रिसोर्स कंटेंट करता है जो उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के इश्यूज निपटने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।